दोस्तों, जब मैं कल की ये फिल्म देख रहा था तो कहीं से मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि बरसों से हर एक भारतीय का सपना है कि महाभारत पर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कमाल की फिल्म बनाई जाए और अब वो सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, इस नई और सुपर टेक्नोलॉजी के साथ हमने एवेंजर्स देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है और इसी नई टेक्नोलॉजी के साथ महाभारत देखने की इच्छा बरसों से हम भारतीय पाले हुए हैं। लेकिन जब 600 करोड़ खर्चा करके आदिपुरु जैसी फिल्म बनाई गई तब हमारे उस उम्मीद पर थोड़ा सा पानी फिर गया था और ऐसा लग रहा था कि अब ये सपना बस एक सपना रहेगा और इंडियन फिल्म मेकर्स उस क्वालिटी का प्रोडक्ट शायद कभी बना नहीं पाएंगे। पर आज नाग अश्विन इस डायरेक्टर ने कल की इस अपने फिल्म में महाभारत के जिस तरह से कुछ एक शॉट्स बनाकर दिखाए हैं, अगर उसी क्वालिटी में हमें पूरी महाभारत देखने मिल जाए तो उस फिल्म को इस देश की सबसे बड़ी फिल्म बनाने से ये देश पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि महाभारत जैसे फिल्म के बारे में सोचना भी शिव धनुष उठाने से कम नहीं है। एक तो महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है कि उसे एक या दो फिल्मों में समेटना संभव नहीं है। महाभारत में इतने बड़े बड़े युद्ध है कि उन्हें दिखाने के लिए बहुत बड़ा कैनवास चाहिए, साथ ही बहुत बड़ा बजट भी चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, आज कल की देखने के बाद मुझे ये सारी चीजें पता नहीं क्यों लेकिन संभव लग रही है। दोस्तों, हम हमेशा साउथ वर्सेस बॉलीवुड लड़ते रहते हैं, लेकिन कल की इस फिल्म के द्वारा नाग अश्विन ने बॉलीवुड और साउथ दोनों फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को साथ लेकर एक इतनी बड़ी फिल्म बनाई है कि आज पूरे देश के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर महाभारत जैसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नाग अश्विन और राजामौली जैसे डायरेक्टर एक साथ मिलकर प्लान करते हैं, जिसमें बॉलीवुड और साउथ समेत पूरे भारत के हर एक छोटी छोटी फिल्म इंडस्ट्री से कलाकारों को लेकर एक ग्रैंड प्रोजेक्ट की अगर शुरुआत की जाए तो डेफिनेटली हमारा सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत बनाना और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो कल की जैसी फिल्में उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर राजामौली ने इस फिल्म को बनाने को स्टार्ट भी किया तो शायद उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि महाभारत जैसा प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों से नहीं बनता, उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए। राजामौली ने बाहुबली बनाने के लिए जिंदगी के 5 साल लगाए थे और महाभारत जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए शायद उनको 20 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर उनके साथ नाग अश्विन जैसे 2-3 और डायरेक्टर मिल जाए तो शायद ये सपना सच हो सकता है। दोस्तों, मैंने किसी इंटरव्यू में शाहरुख खान को ये कहते सुना था कि महाभारत पर फिल्म बनाना उनका भी ड्रीम है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की जो VFX कंपनी है वो आज कितना अच्छा काम कर रही है। अगर वो भी इस टीम में मिल जाए तो महाभारत जैसा प्रोजेक्ट बनाने में काफी सहायता हो सकती है। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे हर कोई बनाना चाहता है, पर किसी की भी हिम्मत उस प्रोजेक्ट को छूने की नहीं हो रही है। पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ ऑफिशियल सुनने को मिले। बाकी अगर आपको महाभारत की एक छोटी सी झलक देखनी है तो आप कल की ये फिल्म जरूर देखिए। और बाकी आप इस महाभारत वाली प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।